हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आगे के वीडियो में हमने टेक्स्ट बुक में देखा, आज हमें वर्कबुक निकालनी है। उस पर पेज नंबर 235, कौन सा 235 निकालो। चलो उस पर देखेंगे हम एडिशन। मैंने आगे टेक्स्ट बुक में आपको एडिशन सिखाए ना, सबको रुपीज एंड पैसे इसके एडिशन आते हैं। फिर भी हम टेक्स्ट बुक में से तो सीख गए, लेकिन यहां वर्कबुक में देखेंगे कुछ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। चलो देखते हैं। यहां ये पहला लेते हम, लिखा हुआ है रुपीज पैसे, ऐसा 3 रुपीज। यहां पैसे में कुछ नहीं लिखा, मतलब 3 रुपीज प्लस 5 रुपीज 50 पैसे। कैसे रीड करोगे? 5 रुपीज, पैसे में 50 है तो 5 रुपीज 50 पैसे। चलो इसका एडिशन करना है हमें, तो करेंगे हम पहले 1 से 0 प्लस 0 0। चलो 0 प्लस 5 5, 3 प्लस 5 कितने होते हैं? 8। ओके, चलो नेक्स्ट दूसरा देखेंगे। आपको एग्जाम में ऐसा रुपीज पैसे ऐसा दिया होगा और आपको सिर्फ एडिशन करना है। अगर नहीं दिया है तो ऐसे ड्रॉ कर देना है। ओके, आपको आता ही है ऐसा ड्रॉ करना। ड्रॉ करके ऊपर रुपीज पैसे लिख देने और फिर 4 रुपीज 50 पैसे लिए, लेकिन ये लिखने में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। 4 रुपीज 50 पैसे प्लस 4 रुपीज 50 पैसे, जो पैसे के नंबर है वो पैसे में लिखो, रुपीज के है वो रुपीज में लिखो। चलो यहां 0 प्लस 0 0, 5 प्लस 5 कितने होते हैं स्टूडेंट्स? 10। तो यहां 0 1 कैरी, 4 प्लस 4, 4 2 जा कितने होते? 8, 8 प्लस 1 9। तो यहां क्या लिखा है? 9। तो हमारा आंसर आया 9 रुपीज। ऐसे में कुछ नहीं है तो अब क्या बोलोगे? 9 रुपीज। चलो आगे करते हम एक 5 वाला। ओके, 17 रुपीज 50 पैसे प्लस 19 रुपीज 50 पैसे दिया है ऐसा, आपको एडिशन करना है। 5, तो 0 प्लस 0 0, 5 प्लस 5 10, तो यहां 0 1 कैरी। ओके, चलो 7 प्लस 1 8, 8 प्लस 9 कितने होते स्टूडेंट्स? कितने होते हैं? 17। कितने होते हैं? 8 प्लस 7 प्लस 1 8, और 8 प्लस 9 17, तो 17 का 7 1 कैरी। चलो 1 प्लस 1 प्लस 1, यानी 1 2 3, तो यहां 3 लिख दिया, तो आंसर हमारा आया 37 रुपीज। चलो 7 वाला करते हम, 46 रुपीज प्लस 57 रुपीज 50 पैसे दिया है आपको यहां ऐसे। चलो वो करते हैं, तो चलो 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 5 5, चलो यहां रुपीज की बारी। अब 6 प्लस 7 कितने होते हैं? 13। 13 का 3 1 कैरी, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 5 10, तो आंसर आया हमारा 103 रुपीज 50 पैसे। चलो 10 वाला करें हम, 27 रुपीज 50 पैसे, 9 रुपीज 50 पैसे। चलो इसका करें, चलो 0 प्लस 0 0, 5 प्लस 5 10 होते, तो 0 1 कैरी।
चलो 7 प्लस 1 8, और 8 प्लस 9 कितने होते हैं, अभी आया था 8 प्लस 9 17, 70 का 7 1 कैरी, 2 प्लस 1 3, तो आंसर हमारा आया 37 रुपीज। चलो ये वाला करते हैं हम, 32 रुपीज 50 पैसे प्लस 22 रुपीज 50 पैसे। चलो 0 प्लस 0 0, 5 प्लस 5 10 होते हैं, तो 0 या 1 कैरी। चलो 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 2 5, चलो यहां भी 3 प्लस 2 5, तो आंसर हमारा आया 55। चलो लास्ट एक कर देते हैं ये वाला, 58 रुपीज 50 पैसे प्लस 60 रुपीज। चलो करते 0 प्लस 0 0, 5 प्लस 0 5, 8 प्लस 0 8, और 5 प्लस 6 कितने होते हैं स्टूडेंट्स, कितने होते हैं 11, तो 118 रुपीज 50 पैसे। चलो अब सब्ट्रैक्शन करते हैं, तो नेक्स्ट प्राइस निकालो सभी। बाकी के जो एडिशन है वो आपको अपने आप कर देने हैं, और जब भी मैं पीडीएफ भेजू तब आपको चेक कर लेना है। चलो पहले देखो, ये 8 रुपीज 50 पैसे माइनस 4 रुपीज 50 पैसे माइनस करना है इसमें। चलो 0 में से 0 निकाला तो 0, 5 में से 5 निकालो तो क्या रहेगा स्टूडेंट्स, 0, 8 में से 4 निकाले तो क्या रहेगा, 4, तो आंसर हमारा आया 4 रुपीज। चलो एक दूसरा करते हैं 5 नंबर का, 5 नंबर में है 42 रुपीज, पैसे में कुछ नहीं है, यानी कि हम बोलेंगे 42 रुपीज माइनस 23 रुपीज 50 पैसे दिया है। तो चलो करते हैं, पहले पैसे में 1 का करते हैं, तो 0 में से 0 निकाला तो 0। चलो अब 0 में से 5 जाते हैं स्टूडेंट्स, नहीं जाते तो हम यहां से बोरो लेंगे, 2 के ऊपर क्या आ जाएगा, 1 आएगा, ओके, और यहां 0 के ऊपर क्या लिखेंगे हम, 10। चलो 10 में से 5 निकाले तो 5, यानी पैसे में 50 आ गया। चलो अब यहां ऊपर 2 के ऊपर 1 है, लेकिन 1 में से तो 3 नहीं जाते, तो हमें फिर से बोरो लेना पड़ेगा, किसके ऊपर से, 4 के ऊपर से। चलो 4 के ऊपर से बोरो लो तो 3 रहेंगे, और यहां कितने हो गए 1 के ऊपर, 11। चलो 11 में से 3 निकालो, कितने रहेंगे स्टूडेंट्स, 8, और 3 में से 2 निकाले तो 1, तो 18 रुपीज 50 पैसे। चलो नेक्स्ट ये 7 वाला करते हम, 50 रुपीज 50 पैसे माइनस 23 रुपीज, यहां पैसे में कुछ नहीं है तो 23 रुपीज। चलो इसका करते हैं सब्ट्रैक्शन, 0 में से 0 निकाला तो 0, 5 में से 0 निकाला तो क्या होगा, 5 का 5। चलो 0 में से 3 जाएंगे, नहीं जाएंगे, तो यहां 5 के ऊपर से बोरो लेंगे हम, तो 5 के ऊपर 4, यहां 0 के ऊपर 10 लिखेंगे। अब 10 में से 3 निकाला तो क्या आएगा, 10 में से 3 निकाले तो 7, और 4 में से 2 निकाले तो क्या होगा, 2, यानी हमारा आंसर आया 27 रुपीज 50 पैसे। चलो ये वाला करते हम, 32 रुपीज माइनस 28 रुपीज 50 पैसे
चलो वो करते हैं, इसमें देखो जीरो में से जीरो निकाला तो जीरो, अब जीरो में से फाइव नहीं जाता तो टू के ऊपर से बोरो लेंगे तो टू के ऊपर वन आ जाएगा और इसके ऊपर टेन, टेन में से फाइव निकाला तो फाइव, तो पैसे में हो गया 50 पैसे। चलो अब वन में से तो एट नहीं जाते तो हम थ्री के ऊपर से बोरो लेंगे, चलो थ्री के ऊपर क्या आएगा टू और वन के ऊपर टेन प्लस वन इलेवन, यानी इलेवन हो गए। इलेवन में से एट निकाले तो थ्री, चलो टू में से टू जीरो, यानी आंसर हमारा आया 3 रुपीज 50 पैसे। चलो अब टेन वाला करते हम, टेन नंबर का 21 रुपीज माइनस 15 रुपीज 50 पैसे। चलो इसका करें, जीरो में से जीरो निकाला तो जीरो, जीरो में से फाइव जाते हैं नहीं जाते तो यहां से हम बोरो लेंगे, वन के ऊपर क्या आ जाएगा जीरो और यहां जीरो के ऊपर टेन, चलो टेन में से फाइव निकाला तो क्या आएगा फाइव, तो यहां पैसे में 50 आ गया। अब जीरो में से तो फाइव नहीं जाते तो यार टू के ऊपर से हम बोरो लेंगे तो टू के ऊपर क्या आ जाएगा वन और जीरो के ऊपर टेन, चलो टेन में से फाइव निकाला तो फाइव, वन में से वन निकाला तो जीरो, आंसर हमारा आया 5 रुपीज 50 पैसे। चलो लास्ट वाला करते हैं हम, ये 12 नंबर का 60 रुपीज माइनस 47 रुपीज 50 पैसे। जीरो में से जीरो निकाला जीरो, जीरो में से फाइव नहीं जाते तो रुपीज में यहां भी जीरो दिया है देखो, तो यहां सिक्स के ऊपर से हम बोरो लेंगे, सिक्स के ऊपर क्या आ जाएगा फाइव और यहां टेन रखेंगे, अब आगे बोरो ले जाना है तो उसे रब करके ऊपर नाइन लिख के यहां टेन लिखेंगे। आप डायरेक्टली भी नाइन लिखकर टेन लिख सकते हो, आगे मैंने आपको सब्ट्रैक्शन सिखाए हैं। चलो अब टेन में से फाइव निकाला तो फाइव, यहां नाइन में से सेवन निकाला तो टू और फाइव में से फोर निकाला तो वन, आंसर आया हमारा 12 रुपीज 50 पैसे। तो जो एडिशन सब्ट्रैक्शन स्टूडेंट बचे हैं वर्कबुक में बाकी, वो आपको अपने आप कर देने हैं और मैं पीडीएफ भेजू तब चेक कर लेना है। आगे के वर्कबुक में जो ये वर्ड्स प्रॉब्लम है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।